बर्खास्त पीटीआई टीचर अपनी बाली की मांग को लेकर सड़कों पर हैं और लगातार नारेबाजी कर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन बर्खास्त पीटीआई टीचर्स को विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। पूरे प्रदेश में पीटीआई शिक्षकों के हालात खराब हैं। पूरे प्रदेश भर में लगातार पीटीआई टीचर्स धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में करनाल में पीटीआई शिक्षकों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि राजनीति द्वेष के चलते उन पर कार्रवाई हुई है। अब उनकी उम्र भी जा चुकी है और वो किसी और भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार को 1983 परिवारों के बारे में समझना चाहिए। इतनी मतलब इस पोस्ट पे आने के बावजूद उसने हमारे 2000 परिवारों के साथ कितने जुड़े हुए हैं जी, 8000 तो हम भी हैं जी। भिवानी में अशोक तंवर ने बर्खास्त पीटीआई को समर्थन देते हुए अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार को पीटीआई टीचरों के बारे में एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। साथ ही पीटीआई टीचर्स ने सांसद संजय भाटिया से मुलाकात करके उनको ज्ञापन भी सौंपा है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस आई हैं कि ये दोबारा से रीटेस्ट देंगे, एलिजिबल ये 100% रहेंगे चाहे ये ओवर एज भी हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया। प्रदेश में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में इनके लिए परिवार का पालन भी मुश्किल हो रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या 1983 पीटीआई की दोबारा बहाली होगी।